ग्राम सभा एक संवैधानिक मंच है। यह मंच पंचायत और एसएचजी नेटवर्क के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा में महिलाओं की एकजुट भागीदारी ने एसएचजी फेडरेशन को अपनी सामूहिक शक्ति का अनुभव कराया है। एसएचजी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य की विभिन्न योजनाओं की लाभ तक पहुंच और स्वशासन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के स्तर की जानकारी एक सहभागिता प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया को पार्टिसिपेटरी असेसमेंट ऑफ एंटाइटलमेंट्स या रिबन एक्सरसाइज कहा जाता है। समूह में व्यक्तिगत पात्रता की स्थिति पर चर्चा एक महिला को ग्राम सभा जैसे सार्वजनिक मंचों पर अपनी मांग योजना को साझा करने में मदद करती है। एसएचजी फेडरेशन के मांग योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ाना भी है। एसएचजी फेडरेशन नए आजीविका के अवसरों की मांग या उनकी मौजूदा आजीविका को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। এসএচজির ডিমান্ড দিলো। এসএচজির পর আমার ভিওর ডিমান্ড দেওয়ার কারণে ভিওর পর আমার এগ্রিকালচার পর আমার ভিওর আমার বাইদেউ সকলে আনি দিলে। বাইদেউ সকলে নিজের ঘরতে আনি কিনে আমার ঘরে ঘরে দিছে। আর আমি কতো যাবল লগা নাই, আমি মাত্র এসএচজিতে ডিমান্ড দিছো। আর যা দুই বছর পর বীজটা পাইছো। আর বাড়িত লগা শাক পাচলিরও পাইছিল, যেনেকে পাইছিল বাদাম, জিকা, ভুল আর কেরেলা সব পাইছিল। আমি খিরা চিরা সব সবরে পাইছিলো, এই বছর ধানরও পাইছো। আর এসএচজি কে সদস্য আপনি অধিকারো কে প্রতি জাগরুক হুয়ে হ্যায় আর পঞ্চায়েত কে সাথ নিয়মিত রূপ সে সম্পর্ক করতে হ্যায়, আপনি বনায়ে যোজনায়ে গ্রাম সভা মে প্রস্তুত ভি করতে হ্যায়। এসএচজি ফেডারেশন দ্বারা দি গই মাঙ্গো কে पंचायत की विकास योजना में एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठक में विचार विमर्श करते हैं। साथ ही ग्राम संगठन समन्वय समिति जैसे संस्थागत मंच एसएचजी नेटवर्क को ग्राम पंचायत और संबंधित विभागों के साथ काम करने में सक्षम बनाती है। ग्राम विकास की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी ने उन्हें नेतृत्व पद के लिए सक्षम बनाया है। कई एसएचजी सदस्य अब अपने ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं। पंचायती राज संस्थाओं और एसएचजी फेडरेशन के बीच तालमेल से विभिन्न राज्यों में गरीबी उन्मूलन और आजीविका के विस्तार के लिए बहुत से पहल हुए हैं।